हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का पेपर है जो कि ये आज का पेपर है इंग्लिश का। तो हम इसके आंसर्स को पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें इस पेपर में क्या क्या आंसर्स होने चाहिए और आपने क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर लगाए हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखिए, पैसेज मैंने आपको सॉल्व करना बताया था। आई होप आपने उसी टेक्निक से इस पेपर के में आए हुए पैसेज को सॉल्व किया होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया, द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेशन पर्सन आर नॉट एबल टू। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें उसी तरीके से करने थे। अब हम एक एक के आंसर देख लेते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, फर्स्ट का होगा फोर्थ। फर्स्ट का आंसर होना चाहिए हमारा फोर्थ। अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 67। फ्रेंड्स, हो सकता है कि सेट बाय सेट आपके में आंसर, अब वो क्वेश्चन नंबर अलग होंगे, लेकिन आप उसी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला होगा 67 का। 68 का होगा फोर्थ। 69 का होगा फर्स्ट आफ्टर सम टाइम्स। और 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आफ्टर सम टाइम होगा इसका। 69 का क्या होगा, आफ्टर सम टाइम। और यहाँ 68 का क्या होगा, जो फ्रेज दिया था हायर फैसिलिटी, इसका क्या होगा, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ माइंड। अब जो इस पैसेज का जो लास्ट क्वेश्चन दिया, द वर्ड अनएम्प्लॉयड, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा हमारा नॉट वर्किंग। क्या होगा इसका आंसर, नॉट वर्किंग। चलिए अब इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा फर्स्ट, द चेयरफुल एज अ लार्क। फिर सेकेंड क्वेश्चन 72 में क्या दिया, द सेंटेंस इज इन द हाउस विच आई वॉज वॉर्न इज, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब अगर हम 73 नंबर की बात करें, तो इसमें हमारा आंसर क्या आना चाहिए, बियॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड अ प्रपोजिशन, एंड येट नाउ, ये प्रपोजिशन नहीं होती हैं। बियॉन्ड क्या है, बियॉन्ड क्या है, हमारी एक प्रपोजिशन है। एंड और येट, ये चीज, एंड को हम किस में यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम दो सब्जेक्ट्स को या किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसी तरीके से येट का मतलब, नाउ का मतलब क्या होता है, अब, तो ये भी एक प्रपोजिशन में नहीं आता है। येट का मतलब अभी, ये भी नहीं आता है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव। तो इसमें क्या है, कौन सा क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अपेस, ये क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। अब 75 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 75 में ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। तो क्या दिया, द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, आई वुड नॉट कीप अस अवेक। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। इसी तरीके से 76 का आंसर क्या होगा, ईच अदर, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर। अब 77, गिव वन वर्ड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब कौन है जो कि किसको, मैनकाइंड से नफरत करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ बुक। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड, गिव द बुक। इसी तरीके से 79 में हमारा आंसर क्या होगा, आई सेड टू सीतल मे आई नो हर फादर, फर्स्ट होगा इसका आंसर। और इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा फॉर। अब फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या बचा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। इसमें हमें क्या भरना है, इसमें हमें कंजंक्शन को भरना है।
चलिए फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। तो सॉरी, तो 81 में क्या आंसर आएगा, एज। फिर चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसकी हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी थी, तो इसका आंसर हमारा होगा थर्ड। और 63 क्वेश्चन में क्या दिया गया, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा थर्ड होगा। और 84 की अगर हम बात करें, इसमें क्या दिया गया, गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग प्रोवोक, जो हमें यहाँ पे एक प्रोवोक दी हुई है, हमें इसका मीनिंग बताना है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड। इट इज़ बेटर टू सेटिस्फाई विथ वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज नॉट योर्स। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 85 का हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ बेल, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा फर्स्ट। अब 86 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, एज आर यू सॉरी डैश व्हाट यू हैव डन, इसमें हमें क्या भरना है, प्रपोजिशन भरनी है, तो इसका आंसर आएगा फॉर। सेकेंड, पिक द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा, इसका आंसर हमारा आएगा मेक थिन, फोर्थ। इसी तरीके से 88 पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस, तो 88 का हमारा आंसर कौन सा आएगा, थर्ड। आई लव्ड हिम बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड। अब 89 में हमारा आंसर क्या आएगा, ऑफ। वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी। अब अगर हम 90 क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द हेड मास्टर टू स्पीक यू, तो इसमें हमारा क्या आएगा, द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक यू। मैथ्स का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो आपका पेपर है इंग्लिश का, ये पेपर मैंने आपका सॉल्व करा दिया है पूरा पेपर। इस पेपर में सो फ्रेंड्स ये पेपर आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर इसमें से हो सकता है कि गलती से हमसे कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों, तो अगर कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया हो तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा, तो हम आपको उसका आंसर बता देंगे। या चलिए अब हम ये वाले पैसेज के क्वेश्चंस को और एक बार नज़र डाल लेते हैं। द आई सी इज इन द पैसेज इज इन एग्जेक्टिव है ये। उसके बाद 62 में क्या दिया, द वर्ड डेजर्ट इज इन द पैसेज, ठीक है, तो डेजर्ट क्या है यहाँ पे, नाउन है। द वर्ड, अगर हम 63 क्वेश्चन की बात करें, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड होगा, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एग्जेक्टिव। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जिस में भी ईएसटी लग जाता है वो क्या हो जाता है, सुपरलेटिव हो जाता है, ठीक है, और जिसमें ER लग जाता है वो हमारी कौन सी डिग्री हो जाती, कंपरेटिव डिग्री हो जाती, तो ये कौन सा होगा, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, तो ये हमारा क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। ये हमने कैसे पहचाना ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इस वर्ड में क्या लगा, ईएसटी लगा हुआ है, यहाँ से हमने इसको पहचान लिया। अब 74 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें आंसर हमारा क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा हमारा नो। 65 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर आएगा, इसमें हमारा आंसर आने वाला है थर्ड। तो फ्रेंड्स देखा, इसी तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, और एक बार आप अपने पेपर को ज़रूर मैच कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको सभी पेपर्स के फटाफट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और मंडे से हम आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम आपको रीजनिंग सब पढ़ाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए।